जुडिशियल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट का टॉपिक आजकल कई स्टेट्स में काफी चर्चे में है। हाल ही में एमपी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा और अब गुजरात एंड बिहार के जुडिशियल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसला सुनाया है। आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर प्री मेंस और इंटरव्यू से होकर गुजरता है, जिसमें तीनों ही स्टेजेस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अभिमीत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जज एट पटना एंड अदर्स के केस में पेटिशनर ने ऑल इंडिया जजेस केस 2002 का रेफरेंस देकर इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा देने की सिफारिश की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित करने वाले नियम ऑल इंडिया जजेस केस 2002 के फैसले के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर्स की सर्विस कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जस्टिस शेट्टी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन आर इन द नेचर ऑफ गाइडलाइंस और इन्हें जुडिशियल ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट को गवर्न करने वाले रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। ऑल इंडिया जजेस 2002 के फैसले के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बेस्ट पॉसिबल पर्सन का चयन सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू सेगमेंट में क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध जगह नहीं थी, इसीलिए रूल्स में मिनिमम मार्क्स का निर्धारण ऑल इंडिया जजेस 2002 के फैसले के उल्लंघन में नहीं पाया गया है। The court listed various recommendations of the Shetty Commission. However, interview के लिए minimum marks को खत्म करने का उस list में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे specific mention के बिना यह कहना logical होगा कि interview के लिए minimum marks के aspect पर All India Judges 2002 का judgment silent है। आपके इस judgment पर क्या विचार है? Do let us know in the comment section and subscribe to Alec for Judiciary for more such content. Thank you.